हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी, अभी जो है 10:30 बज चुके हैं और मैं तैयार हो चुकी हूँ। कहाँ जाने के लिए? डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। अभी थोड़ी सी दवाई खानी पड़ेगी, और भी दवाई मेरी कल से ख़त्म है। और आज जाएंगे हम लोग दूसरे डॉक्टर के यहाँ पर, मुजफ्फरनगर। हाँ लूंगा, ऐसे भी लूंगा। अभी ना थोड़े थोड़े से वर्ड ये बोलने लगी है, पापा माँ बिल्कुल साफ बोलने लगी है, और इसे फिक्र है कहीं पापा ये बैग ना छोड़ जाए। मैंने ना पिछली अपनी सारी रिपोर्ट्स जो है रख ली है। क्या करूं इसका? डाली डाली पे अनार। तो जी, अभी मुझे बोल दिया गया था कि जल्दी से रेडी हो जा, मैं तो तैयार हूँ, और खुद तैयार नहीं हुए, इधर उधर घूम रहे हैं और मुझसे बाद में नहाए हैं, जबकि इन्हें मुझसे पहले नहा लेना चाहिए, क्योंकि ये तो एकदम स्वस्थ है। ये देखो, और ये अपने पापा के पीछे पीछे है कि पापा मुझे भी लेकर जाएंगे, बार बार प्यार कर रही है ग्वाल पे। ये देखो, हाथ पकड़ के चल दिए, और जूते ना जो दूसरे पहना रखे थे घर वाले, वो निकाल दिए, अपने नए जूते उठा के ले आई है। तो जी, अभी हम जो हैं चलने के लिए एकदम रेडी हैं, और ये बैग लेकर जाएंगे। इसमें मैंने जो जो ज़रूरत का सामान है वो रख लिया है, फ़ोन, मास्क, और ये वाला कोट पहन कर जाऊंगी मैं। और ये भी तैयार हो गए हैं, बाइक साफ़ कर लिया है। आज हमें एक नहीं कई सारे काम करने हैं, डॉक्टर के यहाँ भी जाना है और एक फ़ोन भी लेकर आना है। निकल लिए हैं आज के कर्तव्य मार्ग पर, और ये जो मुजफ्फरनगर मार्ग है बुढ़ाना से, ये आज हमारा कर्तव्य मार्ग है। डॉक्टर चेंज कर दिया है, दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, बाकी जो पहले रिपोर्ट्स हैं वो सारी ले ली हैं। हमें कुछ ऐसा लगा कि डॉक्टर बदलना चाहिए, हो ना हो कि इनकी पकड़ में कोई बीमारी ना आ रही हो। अभी हमें 1 सवा घंटा लगने वाला है, 10 मिनट पहले ही हम घर से चले हैं। आज मौसम ठंडी हवा वाला है, इसलिए कपड़े लत्तों में तैनात हो लिए हैं हम अच्छी तरीके से। और 50 से 60 की मैक्सिमम स्पीड तक चलाता हूँ मैं ये बुलेट मोटरसाइकिल, इससे ज़्यादा मुझसे चलती ही नहीं है। कई बार मैं हाईवे पे भी गया हूँ, लेकिन वहाँ भी बस इतना ही चलाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। रोड किनारे अपना आराम से। जब से हम अपने गांव से चले हैं, तीसरा गांव है साडम पर, काफ़ी चौकस होकर चलाना पड़ता है। यहाँ पर ओवरटेक का कोई नियम नहीं है, कोई कहीं से भी ओवरटेक मार देता है, एकदम कट भी मारते हैं लोग, ओवरटेक ऐसे ही मारते हैं, तो काफ़ी चौकन्ना होके चलना पड़ता है। ये अपनी बुलेट का जो साइलेंसर है मैंने चेंज नहीं करवाया है, वो जो बड़ बड़ डब डब वाला है ना, वो नहीं लगवाया है। अब जो कंपनी का है ओरिजिनल, वही चला रहे हैं हम, उसकी भी अच्छी है, आवाज़ बढ़िया है। कई लोग दोस्त बोलते भी हैं कि बुलेट जैसी लगती नहीं है, इसका साइलेंसर चेंज करवा। मैंने कहा भाई ऐसे ही चलन दो, ठीक चल रहा है हिसाब किताब। पेट्रोल तो डलवाना नहीं है, परसों ही फुल करवाया मैंने इसका टैंक, अब तो सीधे वहीं पे जाकर रुकेंगे बस। शाहपुर कस्बे में पहुंच गए हैं अभी। कभी कभी जाम की स्थिति मिलती है यहाँ पर, लेकिन रोड जो है क्लियर दिखाई दे रहा है काफ़ी दूर तक। ये था शाहपुर कस्बे का व्यू। भाई हमारे पास तो अगल बगल जो हैं इसी तरह के कस्बे और गांव हैं, इन्हीं का व्यू दिखा सकते हैं हम, पहाड़ तो यहाँ पे है नहीं। एक सवारी रहेगी बस में, एक चटकी बुला रहा था वो। ये आगे बाइक वाले जा रहे भाई साहब बड़ी तेज़ी में, और 4 जने बैठे, 2 बालक हैं और 2 खुद हैं मर्द वीर, और पेलम पेल है मामला। जाग आग गई भाई साहब, रुकने का नहीं। देख लो कैसा कट मारा बगल से। तो ये थे भाई साहब जो सड़क पे जल्दी में निकलते हैं कुछ, एक वो वाले उनमें से एक हैं ये। हम क्या कर सकते हैं इसमें, टोकेंगे तो लड़ने को होगा फिर। मुजफ्फरनगर बाईपास पे पहुंच गए हैं हम, ना तो हमें इधर मेरठ जाना है और ना हमें शामली जाना है, तो हम जाएंगे बिल्कुल अपने नाक की सीध में।
तो धीरे धीरे चल ही रहे हैं अपने मंजिल की ओर। मुजफ्फरनगर में प्रवेश कर चुके हैं हम, और अब भीड़ भाड़ वाले इलाके को पार करना पड़ेगा। कम से कम 2 किलोमीटर जो एरिया है वो पूरा भीड़ भाड़ वाला आएगा हमारे सामने। पब्लिक को फेस करना होगा हमें, और पब्लिक के वाहनों को भी। ऐसे भरे बाजार में ना एक 4-व्हीलर सामने आ जाओ तो बस फिर उसी के पीछे चलना पड़ता रहता है। अब ये जहाँ तक भी जाएंगे ना भाई साहब, इनके पीछे चलना पड़ेगा। ये मेन मुख्य बाज़ार है मुजफ्फरनगर का, और शिव चौक से कुछ ही पहले हैं हम। और शिव चौक जो है मुजफ्फरनगर का सेंटर माना जाता है, पुराना शहर। ये है जी शिव चौक पे पहुंच गए हैं हम सेंटर में मुजफ्फरनगर शहर के। अब यहाँ से लेंगे बाएं, क्योंकि सीधे नहीं जा सकते, यू टर्न लेके आना पड़ेगा। यहाँ के अपने नियम हैं जो ट्रैफिक के, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा उसी के हिसाब से। भीड़ अगर ना मिले रास्तों में तो कितना जल्दी मंजिल तक पहुँचा जाए, लेकिन भीड़ तो होगी, हम भी तो भीड़ ही कर रहे हैं आगे। यहाँ पे हम दूसरों को भीड़ बता रहे हैं तो कोई हमें भी भीड़ बता रहा होगा, तो ये भीड़ तो चलती रहेगी अपने हिंदुस्तान में। ये तो हमारे भारतवर्ष की खूबसूरती है भीड़, इसी से तो जी लगता है कहीं भी। और ये जो बाज़ार की सड़कें हैं, गलियां हैं, इन सब में हमने घूमा है पैदल पैदल पढ़ते टाइम, जब जेब में केवल 2-4 रुपया हुआ करते थे उस टाइम, रिक्शे में बैठने के पैसे भी नहीं होते थे, तब की बात बता रहा हूँ मैं। यहाँ के जो ट्रैफिक नियम हैं वो थोड़े से लाइट हैं, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं कोई भी। अभी हम यहाँ से ये मुख्य बाज़ार पार करके चलेंगे पचेंडा रोड पे, जिस हॉस्पिटल में हमें जाना है की दूरी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर होगी, तो जल्दी पहुँच जाएंगे अभी, अगर आगे उतनी भीड़ नहीं मिली जितनी भीड़ पीछे थी। जब से हम चले हैं घर से, पहला फ्लाईओवर आया है ये। ये भी इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे रेलवे लाइन है, बीच में कहीं पे भी हमने ब्रेक नहीं लिया है, केवल बाइक के अपनी बुलेट के ब्रेक लगाए हैं जब जब भी भीड़ आई है, उसके अलावा हमने कोई ब्रेक नहीं लिया है। तो जी कुछ एक जांचें और हो गई हैं, फेफड़ों की जांच भी करवा दी, सांस ज्यादा चढ़ा था ना, ये कह रही थी पेट दुख है बहुत सारा, तो वो भी जांच करवा दी। उसकी क्या जांच हुई है, एक्सरे हुआ है, और बाकी कुछ टेस्ट दोबारा हुए जो पहले भी हो चुके थे। यहाँ आए हम शेखर नर्सिंग होम में, और ये रेकमेंड किया था संजय ने, संजय हमारे साथ है, और फायदा ये होता है हमें नाम लिखा देते हैं, नंबर लगवा देते हैं, तो आते ही वेट नहीं करना पड़ता। उसकी जाँच भी करवा देती थी, दिल की भी करवा दी, दिल की ऐसा करके बना रहे तो दिल कैसा बना का दिल अच्छा हाँ ऐसा बना, मेरे में नहीं आया बनाना, मैंने बनाया। दिल की जांच भी करवा दी, धड़कनों का पता लग जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंधों में दर्द बता रही थी ना, कभी दिल से ही होगा, चल रही हूँ मैं लहर। अभी थोड़ी देर में सारी रिपोर्ट आ जाएगी, सभी चीज पता लग जाएगी क्या दिक्कत है क्या नहीं, और वैसे तो डॉक्टर साहब बता रहे थे ठीक ही है ये। अच्छा अब बाकी कंडीशन देख के बता देते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन बाकी जो वहम है वो रिपोर्ट्स में दूर हो जाएगा, जो भी है, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आएगा। और काफ़ी दिन हो गए थे ना दवा एक जगह की खाते हुए, 1 महीना भर, तो ज़्यादा कुछ इतना लग नहीं रहा था, और कोशिश ये थी कि जल्दी से ठीक हो जाए,
तो इसीलिए हम यहाँ पे आ गए आज। और हम यहाँ बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं क्योंकि इस हॉस्पिटल में शांति को बहुत ध्यान रखा, शांतिपूर्ण तरीके से बैठना पड़ता है, आवाज नहीं। हाँ, तो इसीलिए हमें कोने में लगा है। बहुत डिसिप्लिन वाला हॉस्पिटल है, इसलिए हम वहाँ पे यार्ड में नहीं बैठे हुए जहाँ पे सब पेशेंट हैं, इसलिए हम यहाँ पे अलग आए हैं। वैसे परमिशन ले ली हमने, ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही वीडियो शूट कर रहे हैं चोरी छुपे, परमिशन ले ली डॉक्टर साहब से ही। और डॉक्टर साहब तो ये भी कह रहे थे वीडियो खुद बना लो या हमें बना के देनी पड़ेगी। तो हमने बोला नहीं, हम तो खुद बना लेंगे। तो जी चलो अभी वेट करते हैं, आधे घंटे में सब रिपोर्ट्स आ जाएगी। संजय खाना लेके आए हैं जैसे लेके आते हैं रोज, और ये कह रहे हैं अभी खाना खा लो, और देख लेंगे अगर ज्यादा रुकना पड़े तो भूख तो लगेगी। हाँ, भूख तो मन ना तो सुबह चाय तो बड़ा डब्बा रखने वाली थी खाने का, ये बता रहे तो फिर छोटा डब्बा रख लाया। खैर कोई बात नहीं, भूख लगी देख लेंगे, खाना तो चाहिए ही होगा। तो चलो फिलहाल तो बस हम रिपोर्ट्स का इंतजार करेंगे, रिपोर्ट्स का इंतजार करेंगे, उसके लिए वेट करेंगे। सर एक्सरे नहीं, और चलने की तो कोई टेंशन नहीं, मैंने तो तब बुखार था तभी नहीं टेंशन। जाने से पहले आना होगा या जाना सीधे वहीं जाना तब तक की तो जाने के मार्च में तुम दूर है तो देखिए फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने जो है दिखा लिया है, रिपोर्ट्स मेरी सारी आ गई है, रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल है, बताएंगे अभी थोड़ी बहुत ही कमी है बस और कुछ नहीं है। तो दवाइयाँ भी ले ली हैं, समझ भी ली हैं, तो 5 दिन की दवाइयाँ मैंने ली हैं, फिर मुझे 2 दिन के लिए बाहर भी जाना है, तो उससे पहले एक बार डॉक्टर साहब से मिल के जाना है, इन्होंने बोला है कि एक बार मुझसे मिल के जाना, जब जाओगे होगी तसल्ली। टेंशन ले रहे थे ज़्यादा बड़ी तो जो भी तो होगी तसल्ली ना, मुझे तो टेंशन पहले ना थी, उससे पहले भी नहीं थी मुझे, तो मैं तो ये कहो जाऊ थी ना जज्बा है मेरे अंदर, मैं ये कहती रहती मगर मैं ठीक हूँ कुछ नहीं, कमजोरी है थोड़ा बहुत ही, कुछ है ठीक हो जाएगा धीरे धीरे तो है, लेकिन फिर भी है तो नहीं, मैं ये कहती रहती ना मगर थोड़ा बहुत ही है, कुछ दिक्कत है ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक हूँ मैं, बस ये नहीं सोचो जाते अगर मैं आँख भी बंद करके पड़ जाऊँ तो पता नहीं क्यों पड़ी है। बच्चों का फोन आ गया घर से, ये पूछ रहे कितनी देर में आओगे, चले नहीं क्या अभी, मैंने कहा अभी थोड़ी देर में चलेंगे, जोर लगा के आई सा बाइक बीच में फंसी हुई थी, ये देखो इसके पीछे थी कई सारी बाइक, तो दोनों ने मिलके निकाल ली इन्होंने, ये देखो बारिश ही है ना, थोड़ी सी वजन है ना इसमें, और लगाओ जोर। क्या कह रही, कोई मजाक तो लेने का, दो जनों को देख के फुलके से आदमी है तो टेम तो लगे हर चीज में। अच्छा देखे कितने गहरे में से निकाल के ला रहा हूं, देखो कितना डर रहा है, देखो गहरा है यहां क्योंकि यहां नाला है, देखो ये छपा हुआ है ना, अभी तो मुझे भी निकाल लिया, चलो निकाल लो, अभी निकाल के ले गया, अरे कोई निकाल के ले गया हॉस्पिटल के सामने से ही, देखियो एक तो है निकाल ली और एक निकाल ली है यहां से, आंटी ने बता दिया, दो लड़के खड़े थे वे बाहर ही थी, उन्होंने देख लिया और वे सोच रही थी, इसीलिए देखो कैसी कैसी चोरी है, मतलब ना तो सीसीटीवी से डरे लगे हुए हैं यहाँ पे। हाँ। और ये मुट्ठा निकाल लिया इसका, और इन्होंने देखे इन्होंने ही सोचा होगा कि इनकी होगी बाइक, ये तो शुक्र है। हाँ सही कह रहे आप, तो वे कुछ और भी कर रहे होंगे, तो इसमें देख लियो अच्छा।